सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड शहर देहरादून में फिर से आप लोग का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से ला रखी हूँ आप लोगों के लिए एक नई प्रॉपर्टी यानी नया प्लॉट। और नया प्लॉट है, हम लोग हैं इस टाइम नकरोंदा पिंडर वैली में। तो पिंडर वैली तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ये मतलब जो कॉलोनी है वो है 13 नंबर पे, शायद ये 13 नंबर है। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ पिंडर वैली में। और यहाँ पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर कॉलोनी से आई हूँ मैं। तो इधर है 30 फीट की रोड, ये जो रोड है यह है आपकी 30 फीट की रोड। तो 30 फीट की रोड में अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे जाना है प्लॉट में। हरिद्वार रोड और ये जाएंगे, ये है हरिद्वार रोड में। और हम लोग जाएंगे नकरोंदा मोड़ पर, मोड़ चली गई हरिद्वार के लिए। नकरोंदा मोड़ पे ये चले गए हम लोग, नकरोंदा मोड़ पे। यहाँ मार्केट वगैरह भी लगी हुई है। ये हम लोग जा रहे हैं 0 पॉइंट वाली रोड पे, ये जाती है नकरोंदा 0 पॉइंट। और हम लोग हैं मेन हाईवे से, जो प्लॉट की दूरी है वो मेन हाईवे से है 3 किलोमीटर अंदर जाके। तो हम लोग जा रहे हैं इसी रोड में, यहाँ पे रोड भी बन रही है और यहाँ सारे सीवर लाइन, यहाँ की जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये सीवर लाइन बिछी हुई है। और उसके बाद ये रोड जो मैंने देखा बताया आपको बनती हुई आ रही है रोड, इधर ये जितनी भी सीवर लाइन बिछी हुई है सारे में दोबारा से अब रोड बन रही है। इसमें जा रहे हैं दूसरी रोड पे, हम लोग चले गए 13 नंबर कॉलोनी में। इसकी रोड बड़ी बहुत, इसकी रोड होगी कितनी होगी, 20% 30% रोड है इसकी, रोड बड़ी बेहतर है इसकी। यहाँ से आ गए हैं अंदर की ओर, और ये है अंदर आके है 20 फीट की रोड। यहाँ से आपको 20 फीट की रोड मिलेगी, और इधर है रोड ये, और ये प्लॉट तो काफ़ी सारे हैं। इधर भी जा रखी है रोड, इधर इधर भी शायद 20 फीट की रोड है, और इधर भी जा रखी है 20 फीट की रोड। तो इधर ये सारी ये प्लॉटिंग वगैरह हो रखी है। यहाँ चले गए हम लोग 20 फीट की रोड में, और सामने है पेड़। तो पेड़ तो कट जाएंगे क्योंकि ये रोड है, तो रोड पे तो पेड़ आएंगे नहीं। तो इसलिए मैं चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको इधर। प्लॉट तो काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। ये देखिए अभी पूरा ग्राउंड है, मकान दूर दूर है, और ये पूरा खाली है, पूरा ग्राउंड है। और ये सामने आपके इधर कुआ वाले की फैक्ट्रियाँ भी है सामने। और हम चले गए इस रोड पे, तो ये भी काफ़ी बड़ी है, 20 फीट की रोड है ये। और 20 फीट की रोड में चले गए हम लोग अंदर, तो दोनों ओर वो प्लॉटिंग हो रखी है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, ये जहाँ 20 फीट की रोड है इसी पे चलते हैं सीधा आगे, और जहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हो रखे हैं। और प्लॉट भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं है जैसे आजकल प्लॉटों में झाड़ियाँ जमी हुई रहती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लॉट है। और चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ से रोड आई है, ये जो ये जगह है यहाँ से रोड आई है। और यहाँ से ये हमारी स्कूटी के पास है, स्कूटी के पास से इधर है आपकी 30 फीट की रोड, और स्कूटी के उधर से 20 फीट की रोड, और ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ से आ जाएंगे आप अंदर की ओर, तो यहाँ है आपकी 20 फीट की रोड जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये है इसका, ये है ज़मीन, ज़मीन है आपकी, ये काफ़ी बड़ी है। इसका फेस है पश्चिम साइड के लिए, तो इसका पश्चिम फेस होगा इस प्लॉट का। और ये प्लॉट गहराई इसकी बहुत ज़्यादा है, आप जितना मर्जी गहराई ले सकते हैं वहाँ तक। वहाँ पे लास्ट बाउंड्री हो रखी है, और ये हो रखी है बाउंड्री पूरा। आपको बाउंड्री करने की ज़रूरत नहीं है, डिमार्केशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके उधर है ये मकान बने हुए हैं, बीच में उधर मकान है और बीच में खाली प्लॉट है। और ये इतना बड़ा पूरा आपका ये ज़मीन है जैसे कि,
और इसमें अभी डिमार्केशन हो रखी, डिमार्केशन तो खाली इतनी हो रखी कि जिन्होंने ये प्लॉट ले रखा उनकी डिमार्केशन पूरा वहाँ तक है। और ये जो प्लॉट की गहराई तो आपकी मर्जी से दी जाएगी और जो जैसे है, पर लेकिन इसकी गहराई है, गहराई बताती हूँ मैं, इसकी गहराई 50 है। तो इसकी पश्चिम साइड के लिए मैंने कह दिया है कि इसका फेस होगा, तो ये गहराई वहाँ तक है, पूरी डिमार्केशन हो रखी है इसकी यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी इसकी डिमार्केशन हो रखी गहराई तक, 50 इसकी गहराई है और चौड़ाई आपको जितना मर्जी आप ले सकते हैं वहाँ तक है। और ये सामने ये प्लॉट भी बिकाऊ है, तो ये इसका पूरा सेट के लिए फेस होगा और ये भी पूरा जितना मैं आपको बता रही हूँ ये वहाँ से और पूरा वहाँ तक जो ये डिमार्केशन हो रखी है यहाँ तक, ये पूरा ये भी बिकाऊ है। तो इसमें भी आपको चौड़ाई जितना मर्जी चाहिए होगा तो उतना आप ले सकते हैं और इसकी भी गहराई शायद 50 ही है। तो दोनों की गहराई 50 है, इसकी भी मैं आपको डिमार्केशन दिखा देती हूँ। इसकी डिमार्केशन ये रही वाइट कलर की, ये सामने आपके ये, तो ये गहराई इसकी भी 50 है, इस प्लॉट की भी 50 है और चौड़ाई आप जितना मर्जी रख सकते हो और इसकी भी उतनी है, दोनों प्लॉट की गहराई 50 है। और मकान काफ़ी दूर दूर है, जैसे कि मैंने बताया है वहाँ पूरा इतनी दूरी पर मकान है, अभी पूरा खुला है चारों ओर और ये पूरा प्लॉट है जिसमें मैं खड़ी हो रखी हूँ, ये प्लॉट है और मकान काफ़ी दूर दूर खड़े हो रखे हैं। और ये देखिए पूरा चारों तरफ लोग बसे हुए हैं। ये जो फैक्ट्रियाँ दिख रही है आपको कुआ वाले की, तो इसके उधर क्या है, मेन रोड है, यहाँ से मेन रोड बहुत पास में है, जिधर से हम लोग आए हैं तो उधर से मेन रोड आपको ढाई तीन किलोमीटर अंदर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो आए हैं तो इधर मेन रोड से इधर घूम के आए हैं थोड़ा, तो घूम के शायद आप लोगों को भी ऐसे आना पड़ेगा, हो सकता तो भविष्य में क्या पता कभी इधर से रोड हो जाएगी मेन रोड के लिए, तो ये तो आपको कुछ ही दूरी पर फिर रोड मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग ये फैक्ट्री देख रहे हैं, आप लोग के तो जो यहाँ के होंगे उनको तो पता होगा कि ये मेन रोड पर फैक्ट्री है, ज़्यादा दूर नहीं है और हम लोग इसी के बैक साइड में है। यहाँ पे इधर से तो ये मेन रोड से तो ये बैक साइड हो गया है और बाकी कॉलोनियाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है और सामने बताया कि मैंने आपको इधर से ये यहाँ पे ये रोड है, जो जैसे कि इस कॉलोनी के लिए रोड एक आपकी यहाँ से हमारे स्कूटी के पास से थोड़ा इधर ये जो मकान है इसके बगल से है मेन रोड, और एक रोड यहाँ पे भी है, ये रोड दूसरी है। तो देखते हैं रोड ये कैसे कैसे खुलेगी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जिधर से आए हैं वो आपका सामने है, उधर उस और सामने है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ये पूरी रोड वहाँ तक टच है और यहाँ से पूरा अब दिखाती हूँ आपको फिर से दोबारा से कि जैसे मैं जा रही हूँ यहाँ जो रोड है जिधर से शुरू हुई है वहीं पर जाती हूँ, और दोनों तरफ का प्लॉट तो मैंने दिखा दिया है आपको, ये वाला प्लॉट यहाँ से शुरू है और वहाँ तक, और ये वाला प्लॉट यहाँ से शुरू है जो इधर की डिमार्केशन है वहाँ से और पूरा वहाँ तक जहाँ तक ये वाली डिमार्केशन है, ये वाली बीच में ये रोड यहाँ से पूरा हम लोग आए हैं इस ओर से, हम लोग आए इधर से, ये सामने स्कूटी है और ये है, आपको दोबारा दिखा देती हूँ मैं रोड जहाँ पे से आए हम, 30 फीट की रोड है ये सामने और उसके बाद जहाँ ये बजरी का ढेर है वहाँ से 20 फीट की रोड है और पूरा 20 फीट की रोड ये आगे भी जा रखी है और ये नीचे जो ये कॉलोनी बनेगी इसमें भी जा रखी है, सामने आपका पूरा वहाँ तक ये जहाँ तक बाउंड्री हो रखी है सामने वहाँ तक, क्या हो गया ये, सामने बाउंड्री हो रखी है जहाँ तक और पूरा ये प्लॉट, बाकी शायद ये ले रखे लोगों ने, ये भी ले रखा है उधर लास्ट में भी ले रखा है और ये भी ले रखा है, प्लॉटिंग तो काफ़ी हो रखी है इसमें, लेकिन बड़े प्लॉट दो ही हैं। और चलते हैं अब हम लोग घर की ओर, और ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ये पूरा खाली प्लॉट है अभी, तो प्लॉटिंग खाली इधर की हो रखी है अभी, और इसके बगल में मैंने दिखा दिया है आप लोगों को कि उस और मकान बन रखे। हम लोग जा रहे हैं वापस, और यहाँ से ये चौराया टाइप का है, एक रास्ता इधर जा रखा है
एक रास्ता इधर जा रखा है, तो हम लोग जाएंगे सीधा रास्ते पे। और सबसे बढ़िया है इधर नालियाँ बनी हुई हैं, नालियाँ छोड़ी हुई है चारों ओर से। ये इस ओर बन रही है रोड, रोड का काम चल रहा है यहाँ अभी।